खंडवा छेगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भव्य आयोजन हुआ। बालाजी धाम में 51 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया। गायन स्पर्धा के जरिए देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। बालाजी धाम के संस्थापक रितेश गोयल ने कहा कि दिव्य बालाजी नगर में जल्द ही एशिया की सबसे ऊंची भगवान बालाजी की प्रतिमा स्थापित होगी। 90% काम पूरा हो चुका है। खंडवा पर्यटन के रूप में उभरेगा। कार्यक्रम के दौरान पंधाना विधायक छाया मौर्य ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित होगी, इससे क्षेत्र के युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा। वहीं विधानसभा में एक पर्यटन स्थल स्थापित होगा। इसी कार्यक्रम के दौरान बालाजी ग्रुप ने पत्रकारों को शॉल शिफल देकर सम्मानित किया। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ को लेकर दिन भर देशभक्ति के कार्यक्रम चले। यह 81 फुट की भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इससे बड़ी मूर्ति दुनिया के अंदर सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में है। यह मूर्ति 81 फुट की बनाने का उद्देश्य यह है कि खंडवा अपने एक पर्यटन के क्षेत्र में नाम हो सके और धर्म के साथ पर्यटन को जोड़ करके इसको देखा गया है, जिससे कि लोग धर्म के नाम से भी आएँ और जो नए बच्चे आजकल धर्म के प्रति कम रुचि रखते हैं वह घूमने के नाम से आएंगे तो कम से कम भगवान से श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे। यह मूर्ति की खासियतें इसमें रखी हैं। इसमें लिफ्ट से जाने की सुविधा है, दोनों तरफ लिफ्ट का प्रायोजन है। जो नीचे से अपन जा करके 81 फुट ऊपर जा करके आप जल चढ़ा सकेंगे, आप वहां से फूल बरसा सकेंगे और फोटोएं ले सकेंगे। कितनी लागत आएगी इसमें? इसकी लागत अभी करीब करीब 5 करोड़ रुपये अभी तक लग चुके हैं और अब प्रभु की मर्जी है, क्योंकि एक ऐसा नया प्रोजेक्ट है कि हम लोग कोई भी उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना पैसा अभी तक लगा और लगने वाला है। अब एक ही सोच है अब बालाजी ग्रुप की कि यह मूर्ति जब भी बने तो इसमें जो जो खासियत अपन कर सकते हैं, जैसे लिफ्ट का बताया आपको, वैसे यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनेगा जिससे कि इस मूर्ति के साथ में खंडवा की जितनी विशेषताएं हैं, यहाँ कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पे कौन से देखने की चीज़ें हैं, जिससे इंदौर का व्यक्ति, भोपाल का और जो भी उज्जैन और ओंकारेश्वर आए वह व्यक्ति भी यहाँ तक आ सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।